आज रिपब्लिक डे मैं अपने कॉलेज में मनाने जा रहा हूँ। इसका एंट्री पॉइंट हार्दिक शुभकामना सहित मंच कल्चर की श्रृंखला में मंच पर मत में अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत बंधन है। ऐसे आग्रह है कि बाबू जी को दैज जलाकर उनका स्वागत करें। इनके बाई ओर अपने विद्यालय की संरक्षिता महोदया आपका भी विद्यालय में हार्दिक स्वागत बंधन है। इनके बाई ओर अपनी प्रबंध समिति की आगामी सदस्य महोदया श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी विद्यालय
विद्यालय में हार्दिक स्वागत वंदन है। इनकी दाहिनी ओर अपने विद्यालय के चिरवर्जित आदरणीय कोषाध्यक्ष श्रीमान ईश्वरदीप जी वर्मा, आपका भी अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत वंदन है। अपने मध्य में अपनी विद्या भारती से संचालित अनेक कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। भैया से आग्रह है कि आपका भी बैच जलाकर और तिलक वंदन करके धन्यवाद। पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस दिन भारत का लॉकडाउन गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा अंकित संविधान है। इस दिन भारत एक गणतंत्र, यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इस दिन एकता और अखंडता को बनाए रखना लाता है। गणतंत्र दिवस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समी के समग्र थे माध्यमिक विभाग के बहन आराध्या शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ कि वह भी हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचार हम सभी के समग्र थे। बहन आराध्या शुक्ला। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
को अक्षुण बनाए रखे और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर की होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर की होगी, हर कर पर समर्पण की इमारत भी दिखी होगी, हर कर पर समर्पण की इमारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सबूतों की विजय गाथाल की होगी, तिरंगे पर सबूतों की विजय गाथाल की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आराध्या शुक्ला। बड़े ही तेजस्वी उद्बोधन के द्वारा आज इन्होंने इस तिरंगे की गणतंत्र दिवस की महत्ता के बारे में हम सभी को बताया। तत्पश्चात संस्कृत भाषा के माध्यम से गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार रखने के लिए मैं सप्तम की बहन आनंदी यादव को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और संस्कृत भाषा के माध्यम से अपने विचार हम सभी के सम्मुख रखें। बहन आनंदी। बहुत कम शब्दों में अपने विचार सभी के सम्मुख रखे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आनंदी। इसी क्रम में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आज के दिवस की उपयोगिता के लिए मैं बहन सुनैना गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचार हम सभी के सम्मुख रखे। बहन सुनैना। Good morning everyone. First of all, a very happy birthday to all of you. Honorable guests, respected teachers and my dear friends. Today as we know we have gathered here to celebrate the 24th anniversary of our country's constitution and to honor the sacrifices made by our freedom fighters. The Constitution of India, which was adopted on 26th February 1950, is a document that lays down our fundamental principles and laws of our nation. On this day, it is important to remember the sacrifices of our freedom fighters. They struggled against British colonial rule and their efforts led to India's independence in 1947. Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Chandrasekhar Azad and Jay Kumar Rao. They faced many challenges but they never gave up. And it is thanks to their perseverance that we have the constitution, that we have the freedom. On this day, it is also important of protecting and preserving the constitution. It is our duty as citizens to uphold the principles and values laid in our constitution and to work towards building a strong and more prosperous nation. We must work towards creating a society that is inclusive and equal, where everyone has the opportunity to succeed and is their full potential. We must strive to promote the peace, harmony and fraternity among our communities and to build a nation that is united in itself. Let us trust to do our part in building a better India. Let us also remember the sacrifices made by our soldiers who are protecting our country at the border and also the corona warriors who are putting their life on the line. 50 were saved during this pandemic. In conclusion, I would like to reiterate the importance of
की अस्मिता संस्कृति की रक्षा हम सभी का परम कर्तव्य है, ऐसा कुछ विचार अहम कोरोना के द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया गया। कार्यक्रम के क्रम में मैं वंदना प्रस्तुत कर रही बहनों से आज के इस अवसर पर एक देशभक्ति गीत के लिए निवेदन करता हूं। वंदना प्रस्तुत कर रही बहन
मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले ऐसे असंख्य शहीदों को गीत के माध्यम से नमन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद गीत प्रस्तुत कर रही बहनों को। प्राथमिक विभाग से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचार रखने के लिए उत्सुक भैया संतोष शंकर अवस्थी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आंग्ल भाषा के माध्यम से अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। भैया परिक्रो। गुड मॉर्निंग ऑल प्रेजेंट हियर एवरीवन टीचर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड इन चार्ज मैम डियर टीचर एंड ऑल माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर आई एम प्रोफेसर पर आई रीडिंग क्लास वस्ती टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर एज स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया वी सेलिब्रेट ट्यूजडे ऑन 25th जनवरी एवरी On 25th January 1950, India became a republic. Our constitution came into force on this day. It gives us fundamental rights like freedom of speech, education, reason, and more. Every year, this day is celebrated with great pride and happiness all over the nation. On this occasion in Delhi, our president hoists the flag and parade is organized and Rajpath from Vijay Chowk to India Gate. Bravery awards are also given to citizens and children of the nation to motivate people and bring them a sense of nation. This day speaks the message of freedom. We remember our national heroes, freedom fighters and soldiers who sacrificed their lives for India on this day. Our nation is the greatest nation in the world, but let us strive to make it better. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद हम सभी की है। इसी प्रमुख पंचम की बहनों के माध्यम से एक गीत का निवेदन है। बहन संगम दीपांशी विधि आपिया चार बहनों के माध्यम से एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मानित सदस्य श्रीमान हेतराम जी से निवेदन करता हूं कि वह
हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें श्रीमान भेकराम जी। मैदान में परिवृत्ति होकर अपना स्थान प्राप्त करने की कृपा करें।